लोकसभा का चुनावी घमासान उस वक्त परवान चढ़ गया जब शनिवार की शाम भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और अपने 195 योद्धाओं को 2024 के सियासी कुरुक्षेत्र में उतार दिया। कई दिग्गजों को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया है तो कई नए चेहरों को मौका दिया गया। देश के लगभग सभी राज्यों से भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है बीजेपी की पहली लिस्ट में भोजपुरी सितारों के दबदबे की। पहली लिस्ट में एक दो नहीं, चार भोजपुरी हीरोज पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और चुनावी समर में उतारा है, जिनमें से तीन नाम तो सियासत के लिए नए नहीं है, लेकिन एक चेहरे को पहली बार मौका मिला है। चलिए ये सितारे कौन कौन से हैं, इन पर एक नजर डालते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली की सीट से बीजेपी ने फिर से भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। तो वहीं योगी के गढ़ गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन को दोबारा मौका मिला है। यही नहीं, सपा के गढ़ आजमगढ़ में कमल खिलाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ को पार्टी ने एक बार फिर सियासी साइकिल को डिरेल करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। ये तीनों तो सियासत के पुराने चेहरे हो गए हैं। भोजपुरी सितारों के सियासी सफर में एक बड़ा नाम और जुड़ गया है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी के दावेदार और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरे पवन सिंह को मैदान में उतारा है, यानी कि आसनसोल में इस बार दो बिहारी आमने सामने हैं। एक तरफ जहां रवि किशन और निरहुआ तो भोजपुरी बहुल इलाकों के अंदर अपना दबदबा दिखाएंगे, वहीं दूसरी ओर मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार के लोगों को साधेंगे और पवन सिंह कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले शहर आसनसोल में हिंदी भाषी लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि भाजपा दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक इन भोजपुरी स्टार्स की लोकप्रियता को भुलाने में लग गई है। बाकी इस लिस्ट पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर बताइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।